हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे क्लियर करके चलता हूँ पहले से ही वीडियो के स्टार्टिंग से ही कि जिन लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो अभी से बंद करके चले जाएं, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में मैं उन्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा। बेशक वीडियो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिससे आपको कोई सी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस काफी रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वीडियो कोई सी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हम गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारी फर्स्ट सेल जो है वो जनरेट नहीं होती। सो गाइस फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा सोशल प्लेटफॉर्म्स होता है उससे ट्रैफिक हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट पर भेज देते हैं, उससे यूजर्स का जो अट्रैक्शन है वो भी खत्म हो जाता है और दोस्तों वो जो आप करते हो वो ओनली एक टाइम ही यूज कर पाते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की इन प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को कलेक्ट करने में, और फिर क्या होता है कि अगर आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स को अच्छे से अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो तो अच्छे से आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स को नहीं समझ पाती, इसकी वजह से वो नहीं लेते। तो दोस्तों बेटर ये वाला तरीका रहेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा दूं। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपना ऑडियंस एंगेज पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस एंगेज पेज से क्रिएट करने के बाद कस्टमर होता है वो थोड़ा सा एंगेज होगा। दोस्तों किसी को भी अगर डायरेक्टली कोई चीज बेचोगे तो वो नहीं लेगा, उसे कन्वेंस करना पड़ता है उस चीज को लेने के लिए, उसे समझाना पड़ता है, उसके टच में रहना पड़ता है, और टच में रहने के लिए आपको उसका चाहिए ओनली नेम एंड उसके जीमेल आईडी, जो कि आपको फ्यूचर तक आपको उसी निश से रिलेटेड फ्यूचर तक का रिवेन्यू जनरेट करके देगा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले तो हम ऑडियंस एंगेज पेज को क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम लैंडिंग पेज को बनाएंगे, और लैंडिंग पेज में अपनी एक ऐसी लिंक को ऐड करेंगे जिससे उनके जीमेल कलेक्शन हमें कलेक्ट होते रहें। और गाइस कलेक्ट होने के बाद हमें अगर ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑडियंस है, हमारा व्यूअर है जो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट्स में, उनके जीमेल हमें मिल जाएंगे, उसके बाद हम एक दो दिन बाद या दो घंटे बाद या एक घंटे बाद हम एक ऑटो सेटिंग कर देंगे, एक डेकोरेटेड ईमेल बनाएंगे लाइक कुछ इस तरीके का। सब कुछ मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ गाइस आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैश करो, या आपने भी देखा होगा आपके जीमेल पे बहुत सारे ऐसे लैंडिंग पेजेस आते होंगे जैसे कि ये देखिए, और इसमें लिंक मेंशन रहती है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें अच्छी रहती हैं हमारा फर्स्ट सेल जनरेट करने में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फुल डिटेल्स है, कुछ इस चीज तरीके का हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम पहले तो आपको क्लियर कर दें ताकि आप अच्छे से समझ सको। उसके बाद गाइस यहां से हम ईमेल कलेक्ट कर लेंगे, और यहां पे अगर यूजर हमारा व्यूअर जो होगा वो लैंड हो जाएगा, दैट मींस वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट्स में, और हमारे फ्यूचर में भी उसी निश के प्रोडक्ट्स उसे हम मेल द्वारा इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि ये इस टाइप के बहुत सारे मेल आपने देखे होंगे। सो ये सब कैसे करेंगे गाइस स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब आपको कोर्सों में मिलता है जो कि पेड होते हैं, और यही चीज़ मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, तो आप आ जाएंगे मेलर लाइट वाली वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर हमें अपना एक अकाउंट बनाना होता है साइनअप पर क्लिक करके, तो हम फर्स्टली साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे हम फटाफट से डिटेल्स डाल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों लैंडिंग पेज बनाने से पहले हम थोड़े से इनके फीचर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमें फ्री डेमो अकाउंट मिलेगा उसमें हमें 12,000 ईमेल्स पर मंथ हम स्टोर कर सकते हैं और 1,000 सब्सक्राइबर्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए है, और आप इतने में ही बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, और जब कर लोगे तब गाइस आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की है फ्री वाली, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन आफ्टर गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके का कंप्लीट योर प्रोफाइल वाला सेक्शन ओपन होगा, आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है लाइक आप देख पा रहे होंगे, और मैं जो जो इंपोर्टेंट होगा वो हाईलाइट कर देता हूँ गाइज। आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली सिलेक्ट करके देन यहाँ पे आपको ब्लॉगर एंड यहाँ पे आपको सारे फर्स्ट वाले ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं, और आपको यहाँ पे फिर सारे टिक करके मेक श्योर आपका ये वाला टिक नहीं होना चाहिए, और आपको इस बॉक्स में एफिलिएट रिलेटेड गाइज लिख देना है, एंड देन यहाँ पे नो नो करके आप लोगों ने नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके सेव कर देना है।
देन आफ्टर गाइस आप लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल के लिए यहाँ पे इसे सेंड करना है। अगर आप लोगों के पास अपनी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आपको आई डोंट हैव माय ओन वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अपने किसी भी एक सोशल पेज का एक लिंक गाइस कॉपी कर लेना है, देन आप लोगों ने वहाँ पे पेस्ट कर देना है अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, और अगर वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है। एंड टेल अस अबाउट योर बिजनेस, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग गाइस लिख देना है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग गाइस लिख देना है। देन आफ्टर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फटाफट से हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है इस डैशबोर्ड पे, ठीक है, आपको सब कुछ यहीं से कंट्रोल करना है। यहाँ पे मेन चीज़ शुरू होती है, अब हम फटाफट से पूरा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड है, ठीक है, नॉर्मल टू यूज़ है। एंड देन यहाँ पे हमारी कैंपियंस आएंगे जो भी हम बनाएंगे, एंड यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर्स में गाइस एक चीज़ यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूँ, आप लोगों ने यहाँ पे डरना नहीं है, ये इसका डैशबोर्ड वगैरह देख के मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने देखिए ग्रुप्स वगैरह में हमारे जो भी हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी प्रोडक्ट्स को गाइस अगर हमने प्रमोट करा तो उससे रिलेटेड जो लैंडिंग पेज होगा, जो ईमेल आईडी आएंगे, ईमेल्स आएंगे, वो वाली ऑडियंस हमें किस ग्रुप में रखनी है। फॉर एग्जांपल गाइस मैं अपना एक एफिलिएट प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करने वाला हूं वेबसाइट का, तो यहां पे मैं वर्डप्रेस वेबसाइट, तो इसका मैं ग्रुप का नाम दे देता हूँ और इसे रीनेम कर देता हूँ। अब देखिए अब क्या होगा कि मैं जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो मेरे इस वर्डप्रेस वेबसाइट के ग्रुप में ही आएंगे, उनके मेल्स एंड उनके नेम, एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं, कितनी ऑडियंस हमारी इस ग्रुप में आई है, और उसी ग्रुप में हम ऑटोमेशन की हेल्प से जितनी भी हमारी ईमेल्स आएंगे उन्हीं ईमेल्स को ऑटोमेशन से हम ऑटोमेशन मेल गाइस टाइप कर देंगे, जो हर दो दिन बाद वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स को, कुछ मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था जीमेल पे जैसे कैश क्रो का जो एड चल रहा था, हर दो दिन बाद आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी विद आपके एफिलिएट लिंक के उनकी मेल पे पहुंच जाया करेगी, जिससे उन्हें भी रिमाइंड हो जाया करेगा, एंड देन उसी में हमारी एफिलिएट लिंक मेंशन होगी, जिससे काफ़ी हद तक गाइस हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सेल्स को इंक्रीज करने या फिर कह लो जनरेट करने में। अब गाइस बात आती है लैंडिंग पेज की, यहाँ से हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना। देखिए एक एक स्टेप मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ लेना गाइस, फिर कमेंट बॉक्स में समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे साइट्स पर जब आप क्लिक करोगे लैंडिंग पेजेस एंड वेबसाइट, आप लोगों ने यहाँ पे लैंडिंग पेज पे क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है, आपको लैंडिंग पेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट। दोस्तों मैं एक प्रोडक्ट प्रमोट करने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा दूँ ये वाला, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी इन 15 मिनट। तो दोस्तों ये मैं प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करूँगा, काफ़ी कुछ दिनों से कर रहा हूँ इसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट, तो वो भी मैं आपके सामने करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये प्रोडक्ट Digistore24 से निकाला है, आप लोगों ने, मैं यहाँ पे इस क्लियर कर दूं कि ये वाला वो प्रोडक्ट से गाइस इसमें 25 कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला हमें लैंडिंग पेज है, और मेक श्योर आप जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो उससे पहले दोस्तों ये वाली आईडी अपनी जरूर देख लें, ये आपकी एफिलिएट लिंक में हर एक लिंक में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गाइस, चलते हैं अपने उसी लैंड पेज पे, और देन यहाँ पे हमने वर्डप्रेस वेबसाइट का नाम दे दिया अपने प्रोडक्ट्स का, देन इसे सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस यहाँ पे, एंड देन ये हमें रिडायरेक्ट करेगा आगे थोड़ा सा। अब गाइस आप यहाँ पे इसे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप लोगों ने जब वहाँ से एक स्टेप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ोगे तो आप लोगों ने वहाँ पे ग्रुप पूछा जाएगा, ग्रुप जो हमने पहले बनाया था, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रुप में आप लोगों ने क्या करना है, जो भी हमारी ऑडियंस आएगी और पर्टिकुलर निश से रिलेटेड हम अपने ग्रुप बनाएंगे, उसी ग्रुप में हम टारगेटिंग ऑडियंस को सेव करते जाएंगे जिससे हम उन्हें मेल्स कर सकें, आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने वहाँ पे बना देना है। अब यहाँ पे आ गया चूज टेम्पलेट, तो हम कोई रैंडम सी टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई सी भी यहाँ से सिलेक्ट कर देते हो, बिकॉज गाइस हम ऑलरेडी यहाँ पे अभी बना रहे हैं, तो हमें ये गाइस सिंपल सी टेम्पलेट है ये गाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, एंड देन इसे धीरे धीरे हम कस्टमाइज करेंगे। अब कस्टमाइज किस तरीके करना है गाइस, मेक श्योर मैं आपको पहले कौन सा पेज बनाना बता रहा हूं, ऑडियंस एंगेज पेज, ठीक है। तो यहां पे हमें ज्यादा रखनी है जिससे हमारी ऑडियंस जो है वो एंगेज हो हमारे प्रोडक्ट्स को ले। उसके लिए दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट्स कैसा है, ठीक है। सो ये हमारा जो आप देख पा रहे होंगे हमारा लैंडिंग पेज जो है यहां पे
क्रिएट हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने ये पूरा गाइस यहाँ से डिलीट कर देना है। जो भी हमारे अनवांटेड जो भी विजिट्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हैं वो आपको डिलीट कर देना है। सो दोस्तों आप लोगों ने जब इस पेज को आप सिलेक्ट कर दोगे, मेक श्योर गाइस आपको यही पेज सिलेक्ट कर देना है। एंड देन आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पे काउंटडाउन चलता है, जैसे कि ऑफर जो आप लिमिटेशन ऑफर की लिमिटेशन लगाना चाहते हैं वहाँ पे काउंटडाउन चलता है, तो आप ये चीज़ यहाँ से गाइस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ पे गाइस अपनी पूरी डेट एंड जैसे कि दिसंबर 2021 एंड यहाँ पे मैंने 6 डेट को जो है सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप जैसा करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम काउंट होने लगेगा दोस्तों, एंड सिंपली इसे आप लोगों ने सेव कर देना, ठीक है। देन आफ्टर गाइस सारे अनवांटेड विजिट्स आपको रिमूव कर देना है। आप लोगों ने बस कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म रखना है, एंड अगर आपका यहां पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो शो नहीं होता तो आप यहां से जो विजिट्स हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप गाइस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको इस तरीके का कुछ आपको एक विजिट्स मिल जाएगा उसे एडिट करने के लिए। अब यहां पे इसे हमें एडिट कैसे करना है, एक एक स्टेप ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इवेंट पे आप लोगों ने यहाँ पे इसे कट कर देना है। देन आप लोगों ने आ जाना है अपनी लैंडिंग पेज पे। आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो है वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी इन 5 मिनट, इसे कॉपी करके सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ इसके कुछ कलर्स जो हैं आपको बैकग्राउंड वगैरह हैं उसे पहले तो इसे सेंट्रलाइज या गाइस आप लोगों ने यहाँ पे कर लेना है अलाइन सेंटर। एंड देन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स दिख जाएगा, यहीं पे आपको पास में सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल विड्थ वगैरह सारे कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन गाइस आप लोगों ने क्या करना है अपनी इसी पेज पे आके, देन आफ्टर गाइस यहाँ पे आपको अपनी इमेज से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सॉरी यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड कर लेनी है। पिक्चर ऐड करने के लिए गाइस सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर वाला एक आइकन होगा, यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से गाइस यहाँ पे रख के और पिक्चर इसमें लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक्चर गाइस इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, एंड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा। देन ऑलरेडी मैंने कुछ गूगल से पिक्चर जो कि अट्रैक्टिव थी गाइस वो डाउनलोड कर रखी हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं करी है तो आप अपनी जो पिक्चर है वो सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ गूगल से कुछ अच्छी सी पिक्चर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड गाइस डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी थी, तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। एंड देन सो गाइस एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स जो हैं वो इंपोर्ट कर ली हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत कुछ है, अगर आप अच्छे से सब कुछ इसमें टाइम देके गाइस सब कुछ अच्छे से करोगे तो बहुत कुछ यहाँ से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे बटन हम लगाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके गाइस, ये देखिए बटन कुछ इस तरीके का। आप इसे हम गाइस कस्टमाइज करने के लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे गाइस आपको लिख देना है गेट एक्सेस नाउ। यहाँ पे आपको सिंपली गेट एक्सेस नाउ पे लिख देना है, एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना है गाइस, एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। सो गाइस मैं बात कर रहा था पहले ऑडियंस एंगेजमेंट पेज की, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम बना चुके हैं। एंड देन यहाँ पे गाइस आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इसे ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक है। देन हमारा ये पेज रेडी हो गया बनके, और ऐसे ही हमें अपना यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना गाइस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके। ये हमारा मैसेज वाला जो विजिट है वो हमें अनवांटेड लग रहा है, वो हम यहाँ से गाइस हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं तो इसे हम चेंज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आप कुछ ऐसा यहाँ पे लिख देंगे एंड देन इसे सेव कर देंगे। अब उसके बाद आप लोगों ने इस पे जो ये वाला आइकन है गाइस बुकिंग वाला, ठीक है, आई मीन हमारा बटन, इस पे भी गाइस लिख देंगे। सो गाइस इस पे भी हम लिख देंगे गेट एक्सेस नाउ, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा पेपर पूरा हमारा एंगेजमेंट पेज बन के रेडी है। एंड देन यहाँ पे गाइस आप लोगों ने अपनी सोशल लिंक दे देनी है अगर चाहो तो, बिकॉज और सारा कुछ देके इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो हमारा ये कुछ बन के रेडी हो गया गाइस ऐसा। एंड देन अब जाना हमें सक्सेस पेज पे, यहाँ पे आप लोगों ने फिर से वही चीज़ आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपका मेन वर्क रहता है, ठीक है, सक्सेस पेज पे जो हम हमारा लैंडिंग पेज बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको वो अपने इमेजेस जो भी आपके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इमेजेस थे वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो देखिए मेक श्योर आपको प्रोडक्ट्स जो इमेजेस होंगे वो आपको क्लियरिटी वाले अपलोड करने हैं। मैं ओनली डेमो बता रहा हूँ जस्ट आपको ओनली दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से आपको पूरा कस्टमाइज करना है ताकि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आपके प्रोडक्ट को देख के, एंड देन उस पर उसे
तुरंत ही परचेस कर ले, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ऊपर टॉप में कुछ टेक्स्ट गाइस लिखने हैं, जैसे कि हमारे इस वाले पेज पे थे, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह इंक्लूड कर देते हैं और यही हम कॉपी करके अपने पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसे सिलेक्ट करके दोस्तों, इसे सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों ने इसे सेंटर पे कर देना है। देन यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई सा भी इसे बैकग्राउंड पे कलर दे देना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ज़्यादा लाइट हो जाएगा, मैं सिंपल से कोई नॉर्मल सा कलर गाइस दे दे रहा हूँ इसे, यहाँ पे ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे गाइस अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप वीडियो भी लगाते हो तो काफी एंगेजमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है। देन यहां पे गाइस लिख देना है थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, तो आप लोगों ने सिंपली यहां पे ये लिख देना है। एंड देन सेकंड वाले पे आप लोगों ने वीडियो का फंक्शन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले लेना है, बिकॉज वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे व्यूअर्स को, उसे बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, YouTube की लिंक भी दे सकते हैं। सो गाइज आप लोगों ने YouTube पे आ जाना है, एंड YouTube पे आप लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट्स होगा उससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको चूज कर लेने। फॉर एग्जांपल ये वाली जो वीडियो है, जो मेरी वेबसाइट है उससे रिलेटेड एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसकी लिंक गाइस कॉपी कर लूँगा, देन आप लोगों ने जाना है अपनी उसी लैंडिंग पेज पे, आप लोगों ने यहाँ पे वही URL पेस्ट करके इस लोगों ने नॉर्मल इस एरो पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो एम्बल्ड हो जाएगी, तो इससे यूज़र जो है वो अच्छे से समझ भी सकेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करके ये स्पेस बार है जो उसे ख़त्म कर देना है। सो गाइस हमारा ऑलमोस्ट एक लैंडिंग पेज एंड एंगेजमेंट पेज बन के रेडी है। अब गाइस बात आती है कि हमें लिंक कहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो एक अट्रैक्टिव इमेज डाला होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, तो आप लोगों ने लिंक वो जो लैंडिंग पेज वाली है वो लिंक आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी प्रमो प्रोडक्ट वाली लिंक है जिसे मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा समथिंग हो गया, एक बार हम इसे चेक कर ले रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर देने हैं। सो गाइस ये वाली विजिट में आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी डिटेल्स और गाइस यहाँ से ऐड कर देनी है कॉपी करके, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसे मैं गाइस पूरे को अलाइनमेंट दे देता हूँ जिससे ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, ये दे दिया। अब गाइस आप लोगों ने यहाँ पे एक बटन और हमें ऐड करना है, तो हम चलते हैं गाइस बटन की तरफ, इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे गाइस हमें बटन ऐड कर देना है, ठीक है। अब इस बटन को थोड़ा सा हम कस्टमाइज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे गाइस बटन का नाम जो है वो हम सो गाइस हम बटन को कुछ एडिट करके कुछ इस तरीके का एक अट्रैक्टिव सा नाम देंगे, क्लिक टू बाई एंड हमारी जो एफिलिएट लिंक थी, सॉरी ये वाली, ठीक है। तो इसे हम कॉपी करके सिंपली हम इसे यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, सिंपल से हम इसे भी सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा समथिंग पूरा रेडी हो गया है, अब हम सिंपल से इसे सेव एंड ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा काम यहीं पे गाइस ख़त्म नहीं होता, हमें थोड़े बहुत और आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब गाइस काम आता है कि हम ऑटोमेशन में अपने जीमेल गाइस कैसे ऐड करेंगे, जिससे हमारे जो जितने भी हमारे यूज़र हैं वो हमारी पोस्ट पे आए थे, तो उन्हें हम कैसे दो दो दिन बाद या दो दो घंटे बाद कह लो ईमेल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम एक ऐसा नाम देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेबसाइट मेकर फ्री, ठीक है, कुछ इस तरीके का गाइस आप नाम दे दीजिएगा अपने प्रोडक्ट से ही रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड कोई फेविकॉन आइकन जो कि यहाँ पे दिखता है ऊपर, एंड SEO रिलेटेड आपको सेटिंग कर देनी है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स की या फिर कह लो लिंक है या लैंडिंग पेज है वो और गूगल की सर्च में रैंक करे, जो कोई बंदा इन कीवर्ड्स पे गाइस सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहले आए, ठीक है। तो ये सब भी आपको भूलना नहीं है। देन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अलाउ सर्च इंजन टू इंडेक्स लैंडिंग पेज, यहाँ पे गाइस मेक श्योर आपको वो क्लिक करके ही अलाउ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग हमारा पूरा प्रीव्यू रेडी है। सो गाइस एज यू कैन सी हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट बनके रेडी है। अब हमें क्या करना है, ऑटोमेशन पे हमारे जितने भी हम ऐड गाइस शो कराएंगे वो हम ऑटोमेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। जितने भी हम डिले पे, जैसे कि जो हमारा कस्टमर है उसे हम एक दो घंटे बाद या दो दिन बाद अपने जो है ऑटोमेशन ईमेल सेंड कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है हमारे उस पे वर्क पे, ठीक है। तो सेटअप वर्क फ्लो ट्रिगर, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे नाम दे देना है वर्डप्रेस साइट, ठीक है।
एंड यहाँ पे आप लोगों ने वैन सब्सक्राइबर ज्वाइन ए ग्रुप, जब आपका सब्सक्राइबर आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा तब आप लोगों ने ये जो ईमेल है उसे रिमाइंडर भेजने हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने ये चूज़ कर लेना है और इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैन सब्सक्राइबर ज्वाइन द ग्रुप आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, एंड देन आपको क्लिक वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आप लोगों ने एक ईमेल गाइस आपके ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपका लैंडिंग पेज पे विजिट करने के बाद आप लोग उसे कितना टाइम देना चाहते हो, कितने दिन बाद आपके जो उसके मेल पे आपका प्रोडक्ट्स पहुँच जाए, जैसे कि मैंने अभी मेल पे दिखाया था आपको कैश करो का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डे रख देता हूँ गाइस, यहाँ पे सिंपली एक डे टाइप कर देता हूँ, एंड ये हमारा हो गया, इसे कर देते हैं सेव, ठीक है, एक डे। एंड गाइस फिर से आपको प्लस पे आइकन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको उसके पास जो ईमेल जाएगा एक डे बाद, यहाँ पे आपको वो ईमेल गाइस अच्छे से गाइस यहाँ पे कस्टमाइज कर देना है, ईमेल नेम आपको दे देना है, यहाँ पे रिमाइंडर पे लिख देना है रिमाइंडर ईमेल, ठीक है, और कुछ भी आप अपने तरीके से जो कि कस्टमर को ज़्यादा इरिटेट ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ईमेल सब्जेक्ट लिख देना है टू ऑन्ट मिस दिस प्रोडक्ट, ऐसे करके अपना कुछ भी गाइस, ये मैं ओनली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए गाइस कर रहा हूँ। आप लोगों ने कुछ अट्रैक्टिव ही करना है, कुछ अलग सा ही करना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना है इसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेंडर नेम गाइस आपको अपना नाम यहाँ पे कर देना है, एंड सेंडर ईमेल किस ईमेल से आप लोगों उसे जो है मेल करना चाहोगे, ठीक है, सिंपली आपको वो मेल यहाँ पे टाइप कर देना है। सो यहाँ पे गाइस जब आप अपना जीमेल अकाउंट डालोगे तो मेक श्योर आपका जो अकाउंट आईडी जो क्रिएट किया है अभी अभी जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, इस अकाउंट के लिए अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्रूव्ड ना होके गाइस जो मेरा दूसरा अकाउंट है मैंने उस पे ना बना के आपको एक फ्रेश तरीके से इसलिए इस पे बताया है, एंड यहां पे अप्रूव्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए तभी आपको ये यहां पे लेगा, एंड देन आप लोगों ने जब अप्रूव्ड अकाउंट हो जाए तब आप यहां पे डालोगे तो डेफिनेटली वो ईमेल आईडी आपका कैच हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पूरा सेट करके ये सिंपल से सेव कर देना है, और चाहो तो आप फिर से यहाँ पे गाइस क्लिक करके डिले पे अगर फिर भी वो आपका प्रोडक्ट जो वो परचेस नहीं करता तो फिर से आप वही रोटेशन सेट कर सकते हैं, डिले कितने दिन बाद कितने घंटे बाद, आप हावर्स भी मिनट्स भी गाइस सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप बहुत कुछ यहाँ पे पूरा गाइस अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं पूरा अच्छे से, एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे ईमेल लिस्ट भी दोस्तों बन जाएंगे, ठीक है। सो गाइस एज यू कैन सी आप लोगों ने यहाँ पे यू कांट इनेबल डबल ऑप्शन व्हाइल योर अकाउंट इज नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। तो स्टेटस अभी जो है मेरा अकाउंट अभी अप्रूव्ड नहीं है, जिस पे मैंने आपको डेमो बना के दिखाया है, जो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे प्रीव्यू करके यहाँ पे इस प्रीव्यू का जो लिंक होगा ये लिंक आपको लैंडिंग ये लिंक होगा जिसपे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, जो कि मैंने आपको जो बताया था जो आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स पे गए इस लिंक को डायरेक्ट जो ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट्स पे दोस्तों आप रिडायरेक्ट करते थे तो वहाँ से आपको ऑडियंस भी पता नहीं चलता था कि किस टाइप की ऑडियंस आपके प्रोडक्ट्स पे आ रही है एंड कब जा रही है, और उसका डेटा भी आपको नहीं मिलता था। तो यहाँ पे जब ऑटो सेंडर मेल गाइस आप लगा दोगे तो उनको रिमाइंड होता रहेगा एंड लाइफ टाइम तक आप उसे टारगेट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो भी फ्री में, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर उसके बाद ये वाला जो आपका ट्रैफिक होगा वो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट पे ना जाके उसी लिंक पे जाएगा, ठीक है, जो आपने लिंक लैंडिंग पेज गाइस क्रिएट कर रखा है, ठीक है। एंड जो हमने दो बटन लगाए थे गाइस, पहला तो इससे हम गाइस समझा लेते हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस इंगेज पेज बनाया था यहाँ पे इस इंगेज पेज में गाइस इसका लैंडिंग पेज का लिंक इस वाले इंगेज पेज में होगा, एंड इससे लैंडिंग पेज से गाइस आप लोगों ने ईमेल कलेक्शन करना है, ठीक है, और इससे गाइस आपके प्रोडक्ट पे गाइस जाएंगे आपके जो कस्टमर होंगे वो। तो काफ़ी अच्छा गाइस ये प्रोसेस है, एंड अगर आप समझ गए होगे तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करोगे आप, एक दो महीने अच्छे से करो दोस्तों, एंड दो तीन महीने तब होंगे आपके पास अच्छी खासी ईमेल लिस्ट होगी। वो कहते नहीं है कि लिस्ट है तो कस्टमर है उस वजह से दोस्तों आप अच्छी खासी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने आपको ऐसी चीज़ यहाँ पे शेयर करी है जो आप अच्छे से अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप करोगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको यूजफुल टिप्स वगैरह आते रहेंगे, ये टिप्स बताने के लिए एक भाई ने सजेस्ट किया था, आप भी अपना टॉपिक सजेस्ट करो, नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे ऊपर होगी गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय, एंड दोस्तों खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।